कुछ दिनों के बाद एक दिन आने वाला है कि जिसको वैलेंटाइंस डे कहा जाता है, और ये पूरा दिन फिस्को फुजूर, हराम और बेहयाई का दिन है। देखिए, ये जो उम्र अजीज है ये बहुत कीमती है, और यही वजह है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की, उसमें एक नसीहत ये भी थी कि बेटा, दरबार खुदावंदी में जब तुम हाजिर होंगे तो चार जरूरी चीजों का सवाल तुमसे किया जाएगा। कयामत के दिन चार सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो ये होगा कि तुमने जवानी को कहां खर्च किया, और दूसरा सवाल ये होगा कि उम्र किन कामों में गुजारी। जवानी को कहां खर्च किया, उम्र किन कामों में गुजारी, और बाद के दो सवाल माल से मुताल्लिक हैं जो हमारे मौजू से खारिज हैं। ये दो इंतहाई अहम सवाल होंगे, और आप खुद बताइए कि नौजवान वो क्या बताएंगे कि हमने जवानी को कैसे गुजारा। वो ये कहेंगे कि जवानी को हमने नामहरमों से इश्को आशिकी में गुजारा है, हमने जवानी को गुजारा है टेक्स्ट मैसेजिंग करते हुए, चैटिंग करते हुए, हमने गुजारा है पूरी जवानी को फेसबुक के इस्तेमाल करते हुए, नामहरमों से बातचीत, फजूलियात में वक्त को गुजारा। जाहिर है कि वहां पर गलत बयानी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, और जो कोई झूठ और गलत बयानी करना चाहेगा उसके मुंह पर मोहरे लगा दी जाएंगे, कुरान की आयत है। तो असल में ये जो इश्क मजाजी है जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ऐसी शद्दो मत के साथ, जब हमने भी इसको बहुत पहले से इसके मुतालिक बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि टीवी ने भी इतनी पहले से इसकी तैयारी और मीडिया ने शुरू कर रखी है कि लोगों को इसमें मुबतला किया जाए। तो ये इश्क मजाजी जो है ये एक असल में अजाब इलाही है, और ला यमू तो फीहा वला याहिया, यानी इस तरह की इसके अंदर सूरत हाल हो जाती है कि ना इंसान जीता है ना मरता है, और दरमियान में मुबतला परेशान रहता है और जिंदगी उसकी एक मुख्तल होकर रह जाती है। और कहा जाता है, उलमा ये बात बयान फरमाते हैं कि अल्लाह से सबसे ज्यादा दूर करने वाला अमल इश्क मजाजी, यानी कोई भी चीज अल्लाह को इतना ज्यादा अपने बंदे से दूर नहीं करती जितना कि ये मर्ज अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए। इस तरह जो शिकारी अगर किसी चिड़िया का शिकार करना चाहता है तो बज़ाहिर उसके सामने दाना डाला जाता है, और या मसलन ये किया जाता है, बहुत सारे शिकारी ये भी करते हैं कि किसी भी तरीके से उसके परों में परिंदे की गोंद लगा देते हैं, ग्लू टाइप की चीज, जिससे ओढ़ नहीं पाता और आसानी से शिकार कर लिया जाता है। तो शैतान भी जब ये देखता है कि ये मोमिन अल्लाह का रास्ता आसानी से तय कर रहा है, और खास तौर पे नौजवान, नौजवान अपने आप को ये ना सोचेंगे भाई नौजवानी में तो सब कुछ हो जाता है। इमाम खुमैनी कहा करते थे कि जवानों में गुनाह से बचने की ताकत बूढ़ों से ज्यादा होती। तो शैतान जब ये देखता है कि ये तेजी से अल्लाह का रास्ता तय कर रहा है, तो वो अल्लाह से दूर करने के लिए उसको इस बीमारी में मुबतला कर देता है। और यही वजह है कि इसको अजाब यूं कहा गया कि इमाम सादिक से अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब उनसे इश्क के मुतालिक सवाल पूछा तो इमाम ने फरमाया कि वो दिल जो जिक्र खुदा से खाली हो जाता है, अल्लाह उसको गैर खुदा की मोहब्बत का मजा चखा देता है, यानी अपनी मोहब्बत को उसके दिल से निकाल लेता है जब भी उसको इस मर्ज के अंदर मुबतला होना पड़ता। और जाहिर है कि किसी भी शख्स के दिल में, किसी भी शख्स के सीने में दो दिल तो नहीं होते हैं, एक ही होगा। और जब भी दिल को हरम खुदा कहा गया, इसमें किसी गैर की कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह के अलावा। उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई हरा भरा दरख्त है या हरा भरा कोई पौधा है, उसके सामने अगर आग जला दी जाए उसके करीब, तो उसके तरोताजा पत्ते वगैरह मुरझा जाते हैं, फिर बरसों पानी दिया जाता है तो उसमें कहीं जाकर ताजगी दोबारा पैदा होती है। इसी तरह से जितना भी अस्कार इलाही आप अंजाम दे लें, जितनी भी आप इबादत अंजाम दें,
उससे जो कल्ब के अंदर आपके अनवार पैदा होते हैं, अगर ये इश्क मजाजी उसके साथ पैदा हो जाए तो ये बातिन को बिगाड़ के रख देता है, और इससे जो जुल्मत पैदा होती है फिर बहुत वक्त लगता है उसको दोबारा उस पुरानी नूरानियत पर जाने में। तो जिस तरीके से अभी आग की मिसाल दी कि पौधे को हरा भरा होने में साल साल दरकार होंगे उसके बाद जो आग से झुलस जाएगा। शहीद मुताहरी ये फरमाते थे कि इंसान हर गुनाह के मुकाबले में अपने तकवे पे भरोसा कर सकता है, सिवाय ये जिन्सियात के बाप के, कि इसमें तकवे की ताकत अक्सर बेअसर होकर रह जाती। तो मोमिन खास तौर पर, जैसे कि अभी आगे चलकर भी आएगा कि नहीं मेरी निगाह पाक है, नहीं हम बिल्कुल जायज और हलाल गुफ्तगू करते हैं, नहीं हमारा उनसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी तो जस्ट सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, सिर्फ चैट ही तो होती है, सिर्फ मामूली सी बातचीत ही तो होती है, कजन्स ही तो हैं, ये सब चीजें क्या हैं, शैतानी धोखे हैं, जैसे कि अभी आगे चलकर आपके सामने पेश करेंगे कि कभी भी अपने तकवे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और शहीद मुतारी ये भी कहते थे कि जो नफसानी इश्क है ये फौरन पैदा होता है, वो जो पहली निगाह वहली निगाह का जो मसला होता है ये फौरी पैदा होता है और फौरी नाबूद हो जाता है, ये कोई काबिल एतमाद एहसास नहीं, और इसके जो दुनियावी और उखरवी नुकसान हैं, वाकई अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से रिश्तों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। देखें टीवी जो ड्रामे आप इंतहाई शौक के साथ देखती हैं, किस तरह से उसके अंदर औलाद का मां बाप से जबान चलाना अपने इसी मकसद इश्क मजाजी के हुसूल के लिए, किस तरह से आप मैंने देख देख के आपको अंदाजा होता है कि किस तरह से चीजें सिखाई जाती, भाई बहनों की कैसे लड़ाइयां हो रही हैं, और इंसान अपने करीबी और सगे रिश्तेदारों को कैसा दुश्मन समझने लगता है, हत्ता कि शौहर और बीवी के दरमियान दरारें डालने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आपस में नफरतें उनकी होने लगती हैं। टीवी के जो जितने भी प्रोग्राम्स और ड्रामे अगर आप इस लिहाज से उनको देखें, ये दिमाग में रखते हुए कि ये क्या आजकल हो रहा है इस तरह से, तो उसके अंदर आपको फिर एहसास होगा कि वाकई आज से आप जाकर देखिएगा कितने सारे जो ड्रामे हैं उसके अंदर जो शौहर और बीवी के ताल्लुकात हैं हमेशा खराब दिखाएंगे, और उसके मुकाबले में कोई पुराना आशिक उनका जो वापस आ जाएगा और उससे जो है वो ज्यादा हमदर्द होगा, वो ज्यादा खैर ख्वाह होगा, ये खास आपका दिमाग को बनाया जाता है माशरे के। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इस अंदाज से चीजें सिखाना इंतहा से ज्यादा एक खतरनाक एक अमल है कि जिसका नतीजा हमेशा सरासर खराबी और फसाद की तरफ जाएगा, जिसमें दोनों की हलाकत अबदी होगी। देखिए जब भी यही वजह है कि इन इश्किया ड्रामों इन इश्किया फिल्मों पे अरबों खरबों डॉलरों की सरमायाकारी होती, आप भी बहुत आराम से बेवकूफ बन जाती, घंटों जो है वो इसमें खर्च होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शौहर और बीवी सारे ड्रामे तकरीबन ऐसे होते हैं कि जिसमें शौहर और बीवी के आपस में ताल्लुकात को खराब दिखाया जाता है, और फिर खवातीन भी इसी तरह से लड़ना झगड़ना सीख लेती, मर्द हजरात भी ऐसे लड़ते झगड़ते हैं। एक मिलता है ना किसी जगह के खातून चार घंटे तक मुसलसल अपने शौहर पर जब चीखती रही और शौहर बिल्कुल खामोश रहा, तो आखिर में यही कहा उसने कि तुम्हारी इस गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम का नमूना बना हुआ है। तो चाहे कोई आदमी खामोश भी रहे लेकिन फिर भी लड़ने झगड़ने का एक चीज टीवी सिखा देता है। तो शौहर हजरात भी कोई कम नहीं होते जो उससे पहले वो अपनी बीवी को जिंदगी करार दे रहे होते हैं, अपनी थोड़ी देर बाद ही ये कह रहे होते हैं कि लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये सब चीजें टीवी सिखा रहा है।